वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। अज दा गुरबाणी कथा विचार दा विषय कि जिवें पुन्या होगी, मस्या होगी या संगरान, ये हर महीने आउंदे ने। ते इस दिन अपनी धी नूं की एक चीज़ दित्ती जावे जिस दे नाल हर मनोकामना पूरी हुंदी है। बाबे नानक ने आपां नूं धीआं दा, मातावां दा, भैणां दा सत्कार करन नूं कहा है। नाले पंक्ति भी उचारीए कि है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। गुरु नानक पातशाह ने हर एक औरत नूं सम्मान दिवाया। अपनी धी ते पुत्र दी धरती बापा हमेशा एक समान करिए। कई कहा देंदे ने साड़ी संभाल सांभ संभाल विच कित्थे घाट है। अपने वालों पूरा जोर लाया सी, अपने वालों पूरी वाह लान दिया जिन्ने चुके है। कि आपां सिर्फ इत्थे पदार्थां दी गल करदे पे, आपां उन्हां नूं सियाणी मत चंगे कर्म दी सिक्ख्या देण तों वांझे रह जाने, ते वाहिगुरू दी सिक्ख्या चोली पाउणा भुल जाने, ते फिर उह माड़े राह पै जांदे ने, ते मापिआं दे पल्ले वी फिर दुख ते हंजू दी पंड दे जांदे ने। इह सच्चाई भावें बुरी लगे, पर अज 80% समाज पिछे इही सच्चाई है। ते किते ना किते इस पिछे अपना सब तो वड्डा हथ है, भावें उह जाणे अणजाणे। अज सुख सहूलतां बहुत ने, उह दवो बच्चे नूं, पर नाल कदरां कीमतां वी सिखाईआं जाण। आपां महंगीआं शह मूहों कढ्ढण ते लै के दे दिंदे आं, पर इह नहीं सोचदे उह है तां किते ना किते इस विच बच्चे दा ते अपना दोवां धिरां दा ही नुकसान हो रिहा। बच्चिआं नूं सुख सहूलतां दवो, उहनां दा हक है, पर नाल कदरां कीमतां वी सिखाईआं जाण। सियाणे कहिंदे ने चादर वेख पैर पसारो, अपने वितों कदे बाहर ना जाइए। इस नाल आपां वी सुखी रहांगे ते अपने बच्चे दा भविख वी सोहणा होवेगा। भगत फरीद जी नूं बचपन तों ही माँ ने सिक्ख्या दित्ती सी, आपां मोटू पतलू दी दे रहे हैं, फोन ते ला के दे दित्ते आपां होर काम करन लग गए, एवें ना करिए। डॉक्टरां दे हिसाब नाल जिन्ना बच्चे दा स्क्रीन टाइम वध रहा, उन्ना मानसिक ते शरीरिक तौर ते उह कमज़ोर हो रहा। हर महीने वेखो संगरांद भी आउंदी है, मस्या भी आउंदी है, पुन्या भी, गुरपुरब या महीने विच किते ना किते शहीदी दिहाड़े भी आउंदे ने। आपां अपने धी पुत नूं उस दिन गुरु घर लै के जाइए, गुरबाणी दे दात उन्हां दी झोली पाइए, ते जिस दिन मस्या या पुन्या होवे उठण सार 5 वार मूल मंत्र दा जाप करवाइए भी अज खास दिन। फिर हौली हौली उह रोज़ एवें करन लग जाएगा। रोज़ सौण समय उन्हां नूं एक साखी सुनाओ। हर गुरु घरों महीने दे कोई पुस्तक मिलती है या कोई मैगजीन जिस विच छोटियां छोटियां साखियां हुंदियां ने, उह रोज़ एक सुनाओ। वाहिगुरू नाल प्रेम पैदा करो, आस फिर उस अंदर आपे पैदा हो जाएगी। वो कदी जिंदगी विच हारेगा नहीं। आपां कई बार टुट जाने, डोल जाने, पर अपने बच्चे कदी नहीं टुटणगे, क्योंकि आपां नूं बचपन तो उन्हां दा मुढ़ उन्हां दा मूल बन दित्ता। गुण फिर आप ही पैदा हो जाएंगे जदों उन्हां दे अंदर आस पैदा होगी, कदरां कीमतां भी पैदा हो जाएंगी, ते फिर हर काम सिरे भी उन्हां दा चढ़ेगा। जे इन्ना को आपां सोच लिया, बाकी सारियां सोचां उस वाहिगुरु ते छड्ड दवो। थोड़ी मेहनत आपां कर लिए, संस्कार उन्हां नूं आपां दईए, जदों भी ये दिहाड़ा मस्या, पुन्या, संगरांद, गुरपुरब, शहीदी दिहाड़ा होवे, धी पुत दी चोली विच पोथी साहब लै के पाओ। पुत, ये दुनिया दा सब तो वड्डा खजाना, तू जो चीज़ मंगेगा वह तेनूं इस तों मिलेगी। बस तू याद रखी, तू विश्वास करके पढ़ के उन्हूं अपनी जिंदगी विच लै आई, फिर देखी तेरी हरेक मंग ये वाहिगुरू पूरी करनगे जो तेरे लिए चंगी है। अपने धी पुत विच ये विश्वास बनाइए, ते जिम्मेवारी अपनी है। जे हुण तो आपां पूरी करनी है, कर्म चंगे करांगे भाग बदलणगे, भाग बदलणगे तो हर सुख माणांगे। खुशियां बहुतियां दूर नहीं, बस साढ़े खड़े हो के थोड़ा जिहा उद्दम करन दी लोड़ है, ते करां मातां वी फिर जिंदगी विच आप वरतणगे। जिस दी औलाद सियाणी है वह दुनिया दा सब तो सुखी मनुख है। जदों परिवार खुश तां आपे गवांड नूं वी वेख के मत आओ, गवांड तो मुहल्ले नूं मत आओ, मुहल्ले तो समाज बदलेगा, फिर देर नहीं लगनी। आपां कह दिंदे आ जी फलाणा नहीं बदलदा, जी ढींगड़ा नहीं बदलदा, पहलां परिवार तो शुरुआत करिए, बच्चों तो शुरुआत करिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाउंदे ने
कि सीखण नूं जिथों भी मिले उतों ही सीखो, ज्ञान जिथों मिले उतों ही लवो। आपां कह दिंदे आ जी रब ने मेरे नाल चंगा नहीं किया, आपां ये क्यों भुल जाने भी रब दे घर तां एवें दा कुछ है ही नहीं, उह तां किसे नाल माड़ा नहीं करदे, ये तां अपने कर्मां दा दोष हुंदा किसे दा नहीं। जो बीजांगे वह वड्ढना पवेगा, जदों कर्म आपां करने हुंदे ने बीजने हुंदे ने उदों आपां कदे नहीं सोचते। अपनी सोच तां एवें दी होगी, अपने मतलब लई जो मर्जी कर लवो कोई नहीं वेखदा। आपां जे सोचते हाँ दुख ते नफरत वंड के खुद सुख पालांगे तां उह गलत है, तू सिर्फ दूजे दा भला ही सोच लै तेरा भला हो जाएगा। आपां नूं कोई गुरबाणी पढ़न लई कहिंदा तां आपां कहिंदे हां नहीं कल तो जां समां नहीं फिर पढ़ांगे, इह आपां बोलदे हां ना फिर उह आपां खुद नाल झूठ बोल रहे हां। गुरबाणी तो बिना साडी किसे सार नहीं लैणी। जदों आपां गुरबाणी पढ़ांगे ना तां अपने बच्चे भी पढ़नगे। एक ना बस विच एक बीबी जा रही सी, उहदे नाल एक छोटा जिहा जवाक सी, कोई 4 तों 5 साल का होएगा। वह बीबी ने अपने हाथ विच किताब फड़ी हुई सी, ते उहदा बच्चा जो सी वह भी एक छोटी जी किताब फड़ के ना ते पढ़ रहा सी। उहदे सामने एक सीट सी ते उत्थे एक बजुर्ग बैठे हुए सन। वह बजुर्ग बड़े लंबे समय तो उन्होंने देख रहे सन। वह जदों उन्हां दा स्टेशन आया ना उतरन वाला तां वह उस बीबी कोल गए, कहिंदे बेटा मैं तुहानूं एक गल पुछनी है। वह कहिंदे हाँ जी पुछो बजुर्गो। तो उन्हें कहा कि अज कल मैं जो हर पासे देखदा हर बच्चा अपने हाथ विच फोन या कोई ना कोई इलैक्ट्रॉनिक गैजट लैके तो घूम रहा हुंदा, पर मैं ये देख रहा तुहाडा बच्चा अज अपने हाथ विच किताब लैके पढ़ रहा, यह उदों दा ही पढ़ रहा, इन्हें अख एक बार नहीं झपकी। तो वह कहिंदे भी ये किवें होया। तो माता जी उन्होंने उस बच्चे की माता कहिंदे कि मैं सवेरे शाम मेरा नियम है भावें जिनी मर्जी बिजी होवां मैं एक पुस्तक के कुछ पन्ने जरूर पढ़दी हाँ, किताबां मनुख नूं ज्ञानवान बनाउंदियां ने। यह मैनू मेरी माँ ने सिखाया सी ते मैं अपने बच्चे नूं सिखाया, बच्चे साढ़े तो सीखते हैं, मैं रोज़ किताब पढ़दी हाँ, वह समा एवें व्यर्थ नहीं गवाउंदी, कुछ नवं सीखदी हाँ। मेरा बच्चा मैनू वेख के कापी करदा ते रोज़ एक किताब मेरे नाल सवेरे शाम पढ़दा। मैं दे लई वख वख सिख्यावां दियां छोटिया छोटिया किताबां लिया के रखिया ने जिस तो ये ज्ञान लैंदा। फिर उस दिन वह बाबा जी ने भी समझ आ गई कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता नू ही कापी करदे ने, जिवें उह करदे ने उवें नकल करदे ने। ते आपां जदों खुद फोनां ते लगे रहांगे या फिर चुगली चप्पे ते लगे रहांगे तो फिर अपने अपने बच्चों तो चंगी उम्मीद की भाल कितों करते हैं, वो अपने तो गुण सीखेंगे। जे आप बदलाव करांगे तो वह भी बदल जाएंगे, फिर क्यों ना शुरुआत पहला खुद तो करिए फिर बच्चों च लेके आइए गुण।